हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और 12 के मल्टीपल ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। 12 फंदे का ये डिज़ाइन है और आप जो है देखिए, हमने ये 24 फंदे डाले हुए हैं और ये 8 रो में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आज हम आपको ये डिज़ाइन बताना शुरू करते हैं। आप इसे जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखिए, हमने ये 24 फंदे डाले हुए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये 24 फंदे हैं। आप जो है बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से आप ये रुक आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, डिज़ाइन का फर्स्ट रो है और ये हमने फर्स्ट रो है पूरी जो है सीधी बुनकर तैयार कर लेनी है। आप फर्स्ट रो को पूरा कंप्लीट सीधा बुनकर तैयार कर लीजिए। अब ये डिजाइन का सेकेंड रो है। सेकेंड रो देखिए हमें क्या करना है, ये उल्टा बुन करके तैयार कर लेना है। फर्स्ट रो हमने सीधा बुना और ये सेकेंड रो हमें पूरा रो जो है उल्टा बुनकर कंप्लीट तैयार कर लेना। अभी ये जो है थर्ड रो हमारा है। अब इससे भी हम क्या करेंगे, पूरी रो को हम सीधी कंप्लीट बुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमें फोर रो जो है सीधा और उल्टा बुनकर तैयार करना है। तो हमारा थर्ड रो है और देखिए ये अब हम आ गए फोर्थ रो में। ये डिजाइन का फोर्थ रो है और इस रो को हम जो है कंप्लीट उल्टा बुनकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये फोर रो जो है उल्टा और सीधा बुनकर तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो इसे आप तैयार कर लीजिए। अभी देखिए, हमारा ये जो है फोर रो हमने सीधा और उल्टा बुनकर तैयार किया है। अब हम फिफ्थ रो में देखिए बुनाई करते हैं। इसमें क्या करना है, आप फर्स्ट रो को स्लिप कर लीजिए या अगर बुनाई करते हैं तो इसे बुनाई कर लीजिए। इसके बाद उनके धागे को आप फ्रंट साइड लाइए और एक दो दो फंदे हम इसे उल्टा बुन लेते हैं। इसके बाद उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और देखिए एक दो दो बार लपेट के हमें ये फंदा को बुनाई करना है, क्योंकि हमें 6 फंदे इसी तरह बनाने हैं। तो हमने एक फंदा को किया एक दो दो बार दो राउंड हमने इसमें लपेट के इसे बुनाई कर ली। दो फंदे हुए एक दो, एक दो बार लपेटा हमने, ये तीसरा फंदा बुनाई किया। फिर एक दो दो बार लपेट के हमने चौथा फंदा बुनाई किया और एक दो दो बार लपेट के हमने पांचवा फंदा बुनाई किया और एक दो दो बार लपेट के हमने ये 6 फंदे बुनाई किए। ये साइड का 1 फंदा है। फिर 2 फंदे हमने जो है उल्टा बुनाई किया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने ये राउंड राउंड लपेट के उनको बुनाई किया है। अब उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमने 6 फंदे जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने उल्टे बुने। तो ये डिजाइन का जो है ये 12 फंदे का ये डिजाइन है। तो फिर उनके धागे को हम बैक साइड ले जाएंगे और 6 फंदे को हमने जैसे यहाँ पर राउंड राउंड लपेट करके बुनाई किया वैसे यहाँ पर हम करेंगे। एक दो दो बार हमने उनके धागे को लपेटा और बुनाई कर लिया। फिर
उनके धागे को दो बार हम लपेटेंगे, बुनाई कर लेंगे। उनके धागे को हम दो बार लपेटेंगे और इस फंदे की बुनाई करेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में इसी तरह हम करेंगे। देखिए बुनाई कर लिया हमने, तो हमारे कितने फंदे हुए, 1 2 3 4 फंदे हुए। फिर हम नेक्स्ट फंदे में ऐसे बुनाई करेंगे, ये 5 फंदा हुआ। और देखिए 1 2 बार हमने लपेटा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमारे ये 6 फंदे हमने लपेट के बुनाई किया। फिर उनके धागे को हम आगे साइड लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे। उनके धागे को बैक साइड ला के, ये साइड का फंदा है, इसे हम बुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन का 5th रो कंप्लीट हो गया है। अब हम आ गए 6th रो में। अब 6th रो में हमें देखिए क्या करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करना है, इसके बाद 2 फंदे जो हमारे राइट साइड में उल्टे बुने गए थे, रॉन्ग साइड में भी हम इसे उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद जो हमारे ये 6 फंदे हमने लपेट करके बुना हुआ था, इसे हम ऐसे खोल के राइट सिलाई पे इसे ले लेंगे। 6 फंदे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फंदे हमने जो है 1 2 3 4 5 6 6 फंदे हमने खोल करके ले लिए हैं। और जो राइट साइड में हमने 6 फंदे जो है उल्टे बुने थे, उसे रॉन्ग साइड में भी हम ये उल्टे बुनेंगे। आप इस ऊन के धागे को ज़्यादा जो है कसिएगा मत, थोड़ा ढीला रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जो है आपको ये डिजाइन सिकुड़े हुए नज़र आएगी। तो इसलिए आप जो है इसको थोड़ा ढीला रखिएगा और ये 6 फंदे आप उल्टे बुनाई कर लीजिए। इसके बाद फिर हमने ये देखिए, हमें ये फंदे खोल लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे हमने खोल लिए हैं। फिर इसी तरह हमें ये 2 फंदे जो है इसे हम उल्टा बुनाई करेंगे और ये साइड का फंदा, इसे भी हम उल्टा बुन करके तैयार कर लेते हैं। तो हमारे ये हो गए 6 रो कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अब हम आते हैं 7th रो में। क्योंकि ये 8th रो की डिजाइन है, तो हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन के धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, 2 फंदे हम उल्टा बुनाई करेंगे, इसके बाद ऊन के धागे को हम इसे बैक साइड ले जाएंगे। और अब इसे देखिए हमें क्या करना है, ये 6 फंदे को हमें देखिए, ये इससे हम जो है 3 फंदे आगे से लेंगे और 3 फंदे हम बैक साइड से ऐसे इसे हम इसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद इसे हम ये लेफ्ट सिलाई पर ले लेंगे और फिर एक एक करके हम 6 फंदों को बुनाई करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरह हमने क्रॉस किया है और ये हमारे 6 फंदे ऐसे बुनकर तैयार हो जाएंगे। फिर हम उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे हमने बुनाई कर लिया। इसके बाद उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे और देखिए 1 2 3 का ये करेंगे और 3 फंदा जो है इसे ये राइट सिलाई पर लेंगे, तो ये फ्रंट साइड आएगा और इसे 3 फंदे को हम ये बैक साइड से हम लेफ्ट सिलाई पे ले लेंगे। तो इस तरह करने के बाद हम फिर इसे लेफ्ट सिलाई पे, जो राइट सिलाई पे हमने फंदे लिए हुए हैं, इसे लेफ्ट सिलाई पे हम फिर रिटर्न वापस इस पर ले लेंगे। फिर इसको हम एक एक करके 6 फंदों की हम बुनाई करेंगे।
तो देखिए हमारे ये छह फंदे ये बुन लिए हमने। अब देखिए क्या करना है, हमारे फ्रंट साइड आप लाएंगे ऊन के धागे को और दो फंदे जो हमारे उल्टे थे उसे उल्टा बुनाई करेंगे, और ये साइड का फंदा है तो हम बैक साइड ऊन को ले जा करके इस फंदे को हम बुन लेते हैं। तो हमारा ये फ्रेंड्स जो है सेवन्थ रो कंप्लीट हो गया है डिजाइन का। अब आते हैं डिजाइन के एट रो में, क्योंकि ये डिजाइन एट रो की है और इसे हम कंप्लीट उल्टा बुनाई कर लेंगे। एट रो को हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, फिर हम जो है इस रो को कंप्लीट उल्टा बुनकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसे आप बनाइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स देखिए ये वन से लेके एट पैटर्न तक आपको ये रिपीट करते जाना है, तो ये डिजाइन कुछ इस तरह बनकर आएगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है फर्स्ट बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन के घंटे उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।